सामने आ गया है तो कितना ड्रामा हो रहा है? नहीं, सिकंदर को इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि कॉन्सर्ट में हमारा गाना गाएगी और किसी और की आवाज़ इस्तेमाल की जाएगी. इसके लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत शॉकिंग है इसके लिए. दैट्स व्हाई ही इज रिएक्टिंग टुडे. हाँ, बिकॉज एफर्ट नहीं हो रहा है ना. एफर्ट एक रिलेशनशिप में एफर्ट दोनों तरफ से होना चाहिए, हस्बैंड और वाइफ, तब जाके रिलेशनशिप बनता है. बहुत सारी चीज़ें होती हैं, दिस इज़ वन ऑफ देम. और कब से सिकंदर एक एफर्ट करा जा रहा है अपनी बीवी से, बहुत चीज़ें इग्नोर करता है, बहुत चीज़ों के साथ यू नो सैक्रीफाइसेस करता है बहुत. तो अभी वो एफर्ट वो देख रहा है एक ही तरफ से हो रहा है और बार बार उसको लवली धोखा देती है. तो अभी वो फाइनली कहीं ना कहीं टूट जाता है. उसको लगता है कि यार अब बस, नाउ आई विल टेक अ स्टैंड, आई विल टेक अ स्टैंड बिकॉज दिस इज़ गोइंग नोवेयर. वो बार अब क्योंकि सबसे ज़्यादा उसको दुख है अमायरा का करियर ख़राब करने का. वो अमायरा का करियर ख़राब हो जाएगा ना कि अगर आप अमायरा को किसी और की आवाज़ इस्तेमाल करके अमायरा को स्टेज पर गवा दोगे पूरी दुनिया के सामने, वो भी सिकंदर सिंह गिल की बेटी किसी और की आवाज़. ऑब्वियसली विल बी हार्ट ब्रोकन. बहुत बड़ी बात है. सिकंदर अभी कितनी कोशिश करेंगे वो आवाज़ किसके ढूंढने के लिए? हाँ, वो भी कोशिश होगी और वो पता लगेगा या नहीं लगेगा ये मैं चाहता हूँ ऑडियंस देखे. और वैसे देखा जाए तो जो गलती करता है वो उसको रिग्रेट भी होना चाहिए, पर यहाँ पर लवली ने जो गलती किया उसको रिग्रेट नहीं, वो कभी नहीं होगा. बिकॉज आई डोंट नो, हो भी सकता है बिकॉज आफ्टर ऑल ही इज ऑल्सो, शी इज ऑल्सो एन ह्यूमन बींग. और बट उसको इतनी कंडीशनिंग उसकी ऐसी नहीं है, उसकी कंडीशनिंग अलग है. उसका पालन जिस हिसाब से बड़ी हुई है और जिस हिसाब से उसको कंडीशनिंग मिली है अपने पेरेंट्स से, बहुत अलग है. सिकंदर वो बहुत अलग है, दो लोग बहुत अलग हैं. तो होगा, ऑफ कोर्स होगा, लेकिन इतना नहीं होगा जितना सिकंदर को हो सकता है. हाँ, अभी मनाने वाला स्टेज चले जाएगा मेरे ख्याल से. अभी तो होगा कि सिकंदर विल टेक अ स्टैंड. और सिकंदर हमेशा मनाता ही रहा है और हमेशा खुश करने की कुछ एफर्ट करता ही रहा है जैसा कि मैंने कहा, लेकिन अभी वो नहीं लगेगा. अब उसने क्योंकि बहुत कोशिश कर ली, उसने धोखा दिया, इतनी बड़ी चीज़ कर दी पूरी दुनिया के सामने, हमारे को गवा दिया जिसके लिए वो कभी नहीं तैयार ना था. उसने कहा था अभी 10 साल जाएंगे, उसको रियाज करना है, उसको मेहनत करनी है, तो उसने सुना ही नहीं, उन्होंने करा दिया. तो अब नहीं होगा. अब वो मनाने में तो नहीं जाएगा सिकंदर, आई एम श्योर. बट ही टेक अ स्टैंड नाउ. अमायरा को अब अपने तरीके से अपना कल्चर देगा वो. मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि द जर्नी इज जस्ट स्टार्टेड. अभी हमारी जर्नी शुरू हुई है और आप लोगों ने अभी से इतना प्यार दिया, थैंक यू सो मच. और आगे ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए. हमारा शो टॉप 5 हो गया है और नंबर 1 बनना है. वी डिज़र्व इट एक्चुअली, एंड आई थिंक वी डिज़र्व इट बिकॉज द शो डिज़र्व इट. एवरीबडी इज वर्किंग सो हार्ड आई कैन टेल यू. सो या, तो आई थिंक वी ऑल डिज़र्व टू बी नंबर 1 एंड वी विल बी. थैंक यू, थैंक यू. ओके, लोगन आ रही हो? ऑफ नहीं होगा. Step by. Go. Action.
किताब बस हो गया ये किताब। तुम्हें पता तुमने क्या किया है? किया तो सही से था, तुमने क्या किया? हाथ पे हाथ धरके बैठे हो कब से? तुम्हें क्या लगता है कि कौन से मेहमान है किसी और के बात चला के तुमने उसका करियर बना दिया? ऐसे नहीं बनता करियर। कल तो उसके सच पता लगेगा, दुनिया को सच सामने आएगा। तुम्हारे धोखे की वजह से ना उसके नजरे की जिंदगी बेटी की परफॉर्मेंस जो पूरा करने वाला है वो इंसान भाग चुका है, वो बच्चा भाग चुका है, तो बस कुल्फी भाग चुका है। तो माँ बेटी परेशान है कि कुल्फी खो गया है इन सब से, और ऑब्वियसली लवली तो गुस्सा आता है तो ऑब्वियसली सब पे चढ़ जाती है, तो इसी तरह मोम पर चढ़ गई है कि कैसे एक बच्चे का ख्याल नहीं रख सकते आप। अच्छा, हर परेशानी के रीज़न भी कुल्फी होती है और हर चीज़ का सलूशन भी कुल्फी होती है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। कुल्फी वैसे तो बताया है ना कि उसका गॉड गिफ्टेड है बच्ची, बच्ची जहाँ जाती है अपना अपने मैजिक से, अपने संगीत से सबको यू नो मेस्मराइज करती है, तो यहाँ हमारी भी मदद हो रही है।
पर ऑब्वियसली भाग भाग जाती है तो प्रॉब्लम भी हो जाती है, बट वो बच्ची स्पेशल बताई गई है तो बस दोनों बच्चों का जो तालमेल है वो देखने लायक होगा। आप क्या करने वाली हैं? आप कुछ ढूंढने वाली हैं, मदद करने वाली हैं? नहीं, वो जाके अपने नेल्स चेक करेंगी, अपने हेयर चेक करेंगी, सेल्फीज लेंगी। हमारा को किसी चीज़ की प्रॉब्लम या टेंशन या स्ट्रेस नहीं हो, इसीलिए तो उसकी मॉम और उसकी नानी और उसकी मासी और उसके नाना है। आज नहीं, आप शो नहीं देखते शायद, स्टार्टिंग के फर्स्ट सीन से हमारा एक ही है, कॉस्ट्यूम हमेशा सेम रहता है, कोऑर्डिनेटेड रहता है।